नमस्ते प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? पढ़ाई तो बराबर कर रहे हो ना, या फिर ऐसे ही घूम फिर रहे हो? नहीं ना? अरे ऐसे ही हमारी एक बिल्ली, उसका नाम था सिल्ली, अचानक दिल्ली चली गई। और फिर क्या क्या मजा आया ये जानने के लिए देखते हैं हमारा अगला गाना, बिल्ली गई दिल्ली। नमस्ते प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जैसे आग और पानी, घास और घोड़े की दोस्ती नहीं हो सकती, वैसे ही चूहे और बिल्ली की दोस्ती कभी नहीं हो सकती, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। ऐसे ही हमारे इस गीत के दो चूहे, जो बहुत ही चुलबुले मोटे मोटे हैं, बहुत मस्ती करते हैं, और बिल्ली मौसी की हमेशा इन पर नजर रहती है कि कब ये दोनों मेरे पकड़ में आते हैं। लेकिन दोनों चूहे भी बहुत होशियार हैं। कैसे? ये देखिए। दो चूहे थे, मोटे मोटे थे, छोटे छोटे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे, खेल रहे थे। पुर 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 जाएंगे, हम तो भाग जाएंगे।
थे, मोटे मोटे थे, छोटे छोटे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, ढोलक बजा रहे थे। बिल्ली ने कहा म्याऊ म्याऊ, मैं आऊं, मैं बजाऊं। ना मौसी ना, तुम ना आना, गाना गाना। तुम तो शोर मचाओगी, ढोलक तोड़ डालोगी, हम तो भाग जाएंगे, हाथ नहीं आएंगे, हाथ नहीं आएंगे। नमस्ते प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जब भी आप दुकान या मॉल में जाते होंगे तो आपके पापा को तंग तो करते ही होंगे, ये ले लो, वो ले लो, और बेचारे पापा परेशान, सही है ना? लेकिन भाई, पापा को परेशान या तंग करना बुरी बात है, हमेशा बड़ों का कहना सुनना चाहिए। ऐसे ही हमारे इस गीत में बंदर जी ने दुकान खोली और फिर कौन कौन ग्राहक आए ये जानने के लिए देखते हैं हमारा अगला गाना।
दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, अगर आपको किसी ने उनके घर खाने के लिए बुलाया तो जरूर जाना चाहिए। किसी को ना बोलकर उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए, सही है ना? ऐसे ही हमारे एक दोस्त ने सीधा हाथी राजा को ही अपने घर खाना खाने का न्योता दे दिया। वो कैसे? ऐसे। हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड उठाकर कहाँ चले? हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड उठाकर कहाँ चले? पूंछ हिलाकर कहाँ चले? कान हिलाकर कहाँ चले? पूंछ हिलाकर कहाँ चले? कान हिलाकर कहाँ चले? हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड उठाकर कहाँ चले? पूंछ हिलाकर कहाँ चले? कान हिलाकर कहाँ चले? पूंछ हिलाकर कहाँ चले? कान हिलाकर कहाँ चले? हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड उठाकर कहाँ चले? हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड उठाकर कहाँ चले? पूंछ हिलाकर कहाँ चले? कान हिलाकर कहाँ चले? पूंछ हिलाकर कहाँ चले? कान हिलाकर कहाँ चले? हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड उठाकर कहाँ चले? पूंछ हिलाकर कहाँ चले? कान हिलाकर कहाँ चले? पूंछ हिलाकर कहाँ चले? कान हिलाकर कहाँ चले? नमस्ते प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, किसी का शुक्रिया अदा करना बहुत बड़ी बात होती है। हमेशा सबका शुक्रगुजार होना चाहिए। आप सबको थैंक यू, शुक्रिया कहते हैं ना? और तो और, जिस भगवान ने हमें ये जीवन दिया उसे तो हर रोज शुक्रिया कहना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम। तेरे बच्चे हम हो सच्चे, पढ़ लिखेंगे योग्य बनेंगे। तेरे बच्चे
हम हो सच्चे, पढ़ लिखेंगे योग्य बनेंगे, कर्म करेंगे नहीं डरेंगे। हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम। नित्य बढ़ेंगे बढ़ते चलेंगे, नित्य बढ़ेंगे बढ़ते चलेंगे। दो वरदान हे भगवान, हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम। बनेंगे कर्म करेंगे नहीं डरेंगे। हे भगवान तुझे प्रणाम, या अल्लाह या रहमान, हे भगवान या रहमान। नमस्ते प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया है ना? दोस्तों, आपको सब्जियों में कौन सी सब्जी ज्यादा पसंद है? क्या कोई नहीं? अरे ऐसा मत कहो, सब्जियां तो खानी ही चाहिए। भाई मुझे तो टमाटर बहुत पसंद है, गोल गोल टमाटर, लाल लाल टमाटर। क्यों, मुंह में पानी आया ना? तो चलो ये गाना देखते हैं। टमाटर खाने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? नमस्ते प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जब भी आप खाना खाते हो तो तब हमेशा अति ठंडा या अति गर्म नहीं खाना चाहिए।
नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। नहीं समझे? ये देखो हमारे बंदर मामा का क्या हाल हुआ। नमस्ते प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, लड़ाई झगड़ा करना बहुत ही बुरी बात है। चाहे आप सही हो या गलत, हमेशा प्यार से ही रहना चाहिए। और तो और, कुछ खाने के लिए तो बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। हमेशा मिल बांट कर खाना चाहिए। आपस में मिलकर रहना ही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है, सही है ना? मम्मी आई, दोनों को एक चपत लगाई। फिर दोनों को प्यार से समझाया, कभी न लड़ना कभी न झगड़ना, आपस में तुम मिलकर रहना। सॉरी मुन्नू, मुन्नू बोला सॉरी चुन्नू, दोनों में फिर समझौता हुआ। कभी न लड़ना कभी न झगड़ना, आपस में तुम मिलकर रहना। नमस्ते प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आपको बुखार आए तो आपकी मम्मी क्या करती है? डॉक्टर जी के पास ले जाती है, सही ना? लेकिन आपको तो जरूर सुई और दवा से डर लगता होगा। लेकिन भाई, दवाइयाँ तो लेनी ही पड़ेगी, तभी तो आप जल्द से अच्छे होंगे। ऐसे ही हमारे चूहे मामा को एक दिन बुखार आ गया, और फिर उसने क्या किया?
ये जानने के लिए देखते हैं हमारा अगला गाना। आज मंगलवार है, चूहे को बुखार है। आज मंगलवार है, चूहे को बुखार है। नमस्ते प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में सब्जियों का कितना महत्व है? सब्जियों से ही हमारा शरीर चुस्त और फुर्तीला रहता है, शरीर का विकास होता है। आप सब्जियां खाते हैं ना? अगर नहीं खाते हो तो आज से ही शुरू कर दो। और क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक ही टोकरी में आलू और बैंगन साथ हो तो क्या होगा? नहीं ना? तो फिर ये देखो, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। अरे बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। पापा ने चॉकलेट दिया नाच रहे थे, भैया ने आइसक्रीम दिया खा रहे थे। अरे पापा ने चॉकलेट दिया नाच रहे थे। पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे।